गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, पहले हम हाउ लिखेंगे, हाउ के बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पहले हाउ लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल, हाउ डज ही कम हियर, हाउ डज ही कम हियर, क्योंकि इसमें पहले हाउ आ गया, इसके बाद डू या डज में से ही के अनुसार डज आ गया है, सब्जेक्ट है ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, हियर द प्लेस है। वह यहाँ कैसे आता है, जिसका हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट है हाउ डू दे वरी, हाउ डू दे वरी, इसका मतलब है वे चिंता कैसे करती है, क्योंकि उसमें पहले हाउ आया था, फिर सब्जेक्ट इसमें दे था तो दे के साथ में डू आता है तो डू, फिर वरी। नेक्स्ट है हाउ डज सी बाय अ बुक, हाउ डज सी बाय अ बुक, वह है पुस्तक कैसे खरीदती है, यहाँ पर पहले हाउ आया इसके बाद डज फिर सी। नेक्स्ट है हाउ डू वी टेक टी, हाउ डू वी टेक टी, हम चाय कैसे लेते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ से क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखेंगे हाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस अफर्मेटिव है, स्ट्रक्चर है, पहले हम हाउ रखेंगे, हाउ के बाद में इज एम आर में से कोई एक रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पहले हाउ, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हाउ इज ही कमिंग हियर, हाउ इज ही कमिंग हियर, वह यहाँ कैसे आ रहा है, हाउ इज ही कमिंग हियर, वह यहाँ कैसे आ रहा है। हाउ आर दे वरीइंग, हाउ आर दे वरीइंग, वे चिंता कैसे कर रहे हैं, वे चिंता कैसे कर रहे हैं। हाउ इज सी बाइंग अ बुक, हाउ इज सी बाइंग अ बुक, वे पुस्तक कैसे खरीद रही है, वह पुस्तक कैसे खरीद रही है। हाउ आर बी टेकिंग टी, हाउ आर बी टेकिंग टी, हम चाय कैसे ले रहे हैं। तो हमने हाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया है, पहले हमें हाउ रखना है, हाउ के बाद में इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार रखना, वर्ब में आई एन जी लगाना, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे हाउ इज ही कमिंग हियर, वह यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ पहले हाउ आ गया, हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, इज इज के बाद में सब्जेक्ट है ही, वर्ब में आई एन जी है और हियर। अन्य वाक्य में भी ऐसे ही है, पहले हाउ, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, सब्जेक्ट, वर्ब में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हाउ का प्रयोग इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है इसका, पहले हाउ आएगा, हाउ के बाद में हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पहले हाउ को रखेंगे, हैज या हैव में से कोई एक रखेंगे, सब्जेक्ट रखा जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है हाउ हैज ही कम हियर, हाउ हैज ही कम हियर, वह यहाँ कैसे आ चुका है, वह यहाँ कैसे आ चुका है। हाउ हैव दे वरीड, हाउ हैव दे वरीड, वे चिंता कैसे कर चुकी हैं, वे चिंता कैसे कर चुकी हैं। हाउ हैज सी बॉट अ बुक, हाउ हैज सी बॉट अ बुक, वह पुस्तक कैसे खरीद चुकी है, वह पुस्तक कैसे खरीद चुकी है। हाउ हैव बी टेकन टी, हाउ हैव बी टेकन टी, वह हम चाय कैसे ले चुकी हैं, हम चाय कैसे ले चुकी हैं। तो पहले सभी सेंटेंसेस में देखा है हाउ का प्रयोग है, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग है, हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखेंगे हाउ इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। हाउ का प्रयोग हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। स्ट्रक्चर है इसका, पहले हाउ रखेंगे, हाउ के बाद में हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार और फिर टाइम। पहले हमने हाउ रखा, हाउ के बाद में हैज और हैव रखा, सब्जेक्ट रखा, बीन रखा, वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार और फिर टाइम।
देखो एग्जाम्पल है, हाउ हैज ही बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग, हाउ हैज ही बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग, सुबह से वह यहाँ कैसे आ रहा है, सुबह से वह यहाँ कैसे आ रहा है। हाउ हैव दे बीन वरीइंग सिंस मंडे, हाउ हैव दे बीन वरीइंग सिंस मंडे, सोमवार से वे चिंता कैसे कर रहे हैं, सोमवार से वे चिंता कैसे कर रहे हैं। हाउ हैज सी बीन बाइंग अ बुक फॉर टू डेज, हाउ हैज सी बीन बाइंग अ बुक फॉर टू डेज, दो दिन से वह पुस्तक कैसे खरीद रही है, दो दिन से वह पुस्तक कैसे खरीद रही है। हाउ हैव बी बीन टेकिंग टी फॉर 1 आवर, हाउ हैव बी बीन टेकिंग टी फॉर 1 आवर, एक घंटे से हम चाय कैसे ले रही हैं, एक घंटे से हम चाय कैसे ले रही हैं। तो हमने हाउ के प्रयोग प्रेजेंट टेंस में देखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप सभी को वीडियो समझ में आ गया है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत